ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। देश के बाकी शहरों में भी सरकारी अस्पताल हैं, जिन पर लाखों रुपए जनता के खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी हर जगह फर्जीवाड़ा चलता है झोला छाप डॉक्टरों का, जिनकी डिग्रियों का कोई अता पता नहीं है। लोगों को खुलेआम ये चूना लगाते हैं। राजधानी दिल्ली में भी ऐसे अनेकों डॉक्टर्स हैं। वॉचडॉग की रिपोर्टर श्वेता रंजन गई इनकी तहकीकात करने के लिए। न सिर्फ गांव कस्बों में बल्कि राजधानी दिल्ली में भी झोला छाप डॉक्टरों के कई गिरोह सक्रिय हैं। ये लोग अपना ज्यादातर शिकार गरीब और अनपढ़ लोगों को बनाते हैं। झुग्गियों के एक इलाके में 20 से 30 झोला छाप डॉक्टर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठने का धंधा चला रहे हैं। ये झुग्गियां हैं दिल्ली के ITO की। यहाँ मुश्किल से 1000 लोगों की आबादी है, लेकिन 28 झोला छाप डॉक्टर यहाँ अपना धंधा खुलेआम चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर इन डॉक्टर से इनकी डिग्री के बारे में पूछताछ की जाए तो इनकी जबान लड़खड़ाने लगती है। आप फिजिशियन हैं यहाँ पर? हाँ। आपसे जरा बात कर लेती हूँ मैं। हाँ, बोलिए। कितने साल से आप यहाँ पर? ये तो 3 महीने हुआ यहाँ पर। 3 महीने से आप यहाँ पर हैं, तो क्या क्या किन किन चीजों का इलाज करते हैं? ये तो बुखार, जुकाम, लैट्रीन, सब ये सब। अच्छा, तो इस झुग्गी में बहुत ज्यादा परेशानी है क्या? नहीं, परेशानी नहीं है, यह तो आदमी कम है बहुत। अच्छा। ये तो थोड़ा सा यहाँ पर झुग्गी है। जैसे ही इन झुग्गियों में मौजूद झोला छाप डॉक्टरों को वॉचडॉग की टीम के आने की सूचना मिली तो ये अपनी दुकानें खुली छोड़कर रफू चक्कर हो गए। जो मिले उन्होंने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन जब हमने बात की तो पता चला कि सब दावे खोखले हैं। ये है डॉक्टर बुद्धदेव सिंह। इनका मानना है कि ये इन झुग्गियों में लोगों को एड्स की जानकारी देते हैं, लेकिन जब हमने इनसे एड्स के बारे में जानकारी मांगी तो इनका जवाब कुछ यूं था। क्या है एड्स, फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म तो एड्स के बारे में इतना मतलब ध्यान नहीं है, लेकिन जो भी है अगर ऐसे कोई आती है तो फिर मैं तो डॉक्टर के पास ही भेज देता हूँ, बड़े डॉक्टर के पास, जैसे फिजिशियन हुआ। नहीं नहीं, जैसे डॉक्टर होने के नाते आप जानकारी तो देते होंगे ना यहाँ पे कि क्या क्या उनको मतलब बरतनी चाहिए सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ? सावधानियाँ जैसे कोई डॉक्टर से अगर सिरिंज वगैरह भी जैसे यूज करते हैं, एक से दूसरा ना लगाएं। दूसरा ये है कि मतलब इसी तरह से। ये है डॉक्टर जगदीश। इनका दावा है कि ये जनरल फिजिशियन है और इनकी डिग्री है RMP की। RMP की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई सालों से हजारों मरीजों का इलाज कर चुके जगदीश से जब हमने इनसे इनकी डिग्री के बारे में पूछा तो इनका जवाब कुछ ये था। डॉक्टर है ना यहाँ? आप हैं, आइए डॉक्टर साहब। ठीक है, कौन सी डिग्री है आपके पास? हमारे पास है RMP का। RMP क्या होता है? RMP का क्या होता है उसमें? RMP क्या होता है? अरे भाई, जनरल होता है। उसका फुल फॉर्म क्या है RMP का? RMP का नहीं, देखा नहीं मैंने। अच्छा, आपने RMP की पढ़ाई की, आपको उसका फुल फॉर्म नहीं पता? हमने देखा कि एक ही इलाके के झुग्गियों में करीब 28 झोला छाप डॉक्टर्स हैं, जिन्हें ना तो किसी बीमारी के बारे में कुछ मालूम है, ना ही उन्हें अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी है। आखिर इन झोला छाप डॉक्टर्स को रोकने के लिए क्या नियम कानून बनाए गए हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल से। जी डॉक्टर साहब, बताइए कि क्या नियम कानून बनाए गए हैं इन डॉक्टर्स को रोकने के लिए जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं? पहली चीज तो ये डॉक्टर्स नहीं है। द वेरी फैक्ट ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, इसका मतलब है कि वो एक फ्रॉड है। क्योंकि अगर आप जो चीज आपको अलाउड नहीं है और आप लिख रहे हो तो वो 420 हमारा जो IPC कोड है इसके अंडर में आता है। तो कोई भी आदमी जो कि मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है, एलोपैथिक दवाइयां लिख रहा है और वो लोकल मेडिकल रजिस्ट्रेशन उसके पास में नहीं है मेडिकल काउंसिल का, जैसे UP है तो UP मेडिकल काउंसिल, दिल्ली है तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल, अगर वो बिना काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके ऊपर कानूनन जुर्माना हो सकता है, उसको कैद हो सकती है, उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। अगर आए दिन गिरोह में तब्दील हो रहे झोला छाप डॉक्टरों के फलने फूलने की बात पर गौर किया जाए तो नतीजा निकलता है कि सरकार के करोड़ों रुपए इलाज के नाम पर खर्च होने के बावजूद जरूरतमंद लोगों तक सरकारी स्कीमें नहीं पहुंच पाई हैं। देश की जनता भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं के बारे में अनजान है। व्हेनेवर अ कैंप इज हेल्ड और इवन व्हेन इट वाज हेल्ड एट द डोरस्टेप,
उस केस में पहले सीएमओ से परमिशन ली जाती है कि ये हमने कैंप करना है, हमारे सर्टिफिकेट जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति है, ये टीम लीडर है जो आई सर्जन टीम को लीड करेगा और इसके साथ ये व्यक्ति आएंगे, एंड देन अ परमिशन इज गिवन. दैट इज व्हाट द नॉर्मल लीगल प्रोसीजर वाज. सो ऑब्वियसली दैट हैज नॉट बीन फॉलोड. ऐसा नहीं है कि इन झोलाछाप डॉक्टरों की हकीकत से ये झुग्गीवासी अनजान हैं, लेकिन देश के बड़े अस्पतालों में लंबी लाइन और प्राइवेट नर्सिंग होम्स की भारी फीस से बचने के लिए ये लोग इन डॉक्टरों से इलाज कराने में ही भलाई समझते हैं. यहाँ पे तो कोई एमबीबीएस डॉक्टर साहब आएंगे नहीं, और टाउन में जाएंगे तो 100 रुपया से पहले बात करेंगे नहीं, वो 1000-2000 बोलेंगे खून चेक कराओ. आप जो भी है ठीक है, जैसे भी है, गरीबों के लिए तो ठीक ही है. आप 150 रुपये में दिखा नहीं सकते, हम दिखा सकते हैं. 500 रुपये की दवा ले सकते हैं, नर्सिंग होम हम जा सकते हैं. अस्पताल में हमारे गरीबों को कोई भर्ती लेना नहीं चाहता है. बहरहाल ये तो तय है कि झोलाछाप डॉक्टरों के इस जाल के फैलने का कारण देश में फैली बेरोजगारी और निरक्षरता है. ऐसे में इन लुटेरे डॉक्टरों से भोली भाली जनता को बचाने के लिए सरकार को कुछ गंभीर प्रयास करने होंगे, तभी इस तरह की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है. भारत के डॉक्टरों ने पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया है. कहते हैं अमेरिका और इंग्लैंड की चिकित्सा व्यवस्था भारतीय मूल के डॉक्टरों पर ही निर्भर करती है. पर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में झोला छाप डॉक्टर फल फूल रहे हैं? उसकी वजह है कि सरकारी अस्पताल बुरी हालत में हैं, वहां आदमी जा नहीं सकता, और निजी डॉक्टर बहुत पैसा लेते हैं. आपको वॉच डॉग का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं. वो कौन सी फाइल है जो आप वॉच डॉग में खोलना चाहेंगे? SMS कीजिए सब स्पेस WT स्पेस और स्टोरी का नाम 8558 पर, या ईमेल करें watchdog@subtv.com पर. अगले सप्ताह वॉचडॉग के एक नए एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए वॉचडॉग की पूरी टीम की ओर से नमस्कार.